नमस्कार, मैं आशीष कुमार मौजूद हूँ बीटिया के आईटी स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में। 16 जनवरी है आज, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो युवा हैं वो जॉब के लिए आए हैं। एक्चुअली आज जॉब कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है, कंपनियाँ भी आई हैं। तो टोटल 515 पदों पे बहाली है अभी, जिसमें से 15 पद जो है वो सेल्स ऑफिसर का है मारुति सुजुकी की तरफ से, और 500 जो है वो एलएनटी की तरफ से है। तो 500 पदों पर आपके एलएनटी की तरफ से बहाली आई। टोटल अभी तक कितने बच्चे यहाँ आए हैं? 32, 32। और चयनित कितने हुए हैं? 28 हुए हैं 28 प्रॉपर रूप से चयनित हो चुके हैं। जी। ऑफर लेटर लेके जा चुके हैं यहाँ पे ये जो जितने भी ये सब चयनित हैं, जी, चयनित हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप लोग चयनित हुए। कहाँ से आए हैं आप? हम शनिचरी जोगापट्टी ब्लॉक से हैं। अच्छा, योगापट्टी से आप आए हैं। तो कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है अभी? क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन फाइनल है, प्लस टेक्निकल डिग्री आईटीआई है, और रेलवे से दानापुर डिवीजन से अप्रेंटिस भी कर चुके हैं। नाम क्या हुआ आपका? पिताजी जय किशन कुमार, क्या करते हैं? यहीं गृहस्थी, खेती गृहस्थी अपना करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। कहाँ से आए आप? हम मजहर टोला फुलवारी से हैं। अम्मा मजार से आप आए हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? वही किसान है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन फाइनल है। सब्जेक्ट क्या था आपका? ज्योग्राफी। जियोग्राफी। आप कहाँ से हैं सर? धर्म से उतारवा से हैं। हम लोग का ब्लॉक बागा एक पड़ता है। बगहा। और आप? हम भी बगहा से। बगहा तो काफी दूर है यहाँ से। बता दें कि जिले के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं, कई अनुमंडल कई प्रमंडल से यहाँ पे जो युवा आए हैं जॉब के लिए। पिताजी क्या करते हैं आपके? हम लोग पिताजी फार्मर हैं। और आपके? हमारे पिताजी फार्मर। क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों की? ग्रेजुएशन प्लस टेक्निकल डिग्री आईटीआई पीटर से किया है। मेरा इंटर फाइनल। अच्छा, इंटरमीडिएट आपका फाइनल है। विशेष जानकारी हम लेते हैं सर, नाम सबसे पहले आप हमें बताएं। सूरज कुमार ठाकुर। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से। अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी का पूरा नाम सर कुछ बता पाएंगे? ये एलएनटी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। ये इंस्टीट्यूट है, 2 महीना प्रशिक्षण होके उसके बाद वहाँ डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है। क्वालिफिकेशन, चूंकि यहाँ इंटरमीडिएट पास भी है और ग्रेजुएशन पास आउट भी है, तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे? क्योंकि 500 पदों पर आपकी बहालियाँ हैं, तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और हायर क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? मिनिमम 10th 12th है, और 8वीं क्लास भी दिया हुआ है। जो नॉन मैट्रिक, जो टीसी जिसका पास है उसी को जॉब मिलेगा, और हाई क्वालिफिकेशन में आईटीआई। अच्छा, मान लीजिए कि जो जैसे आपने कहा कि 10th और 12th पास, तो इनके लिए कौन सा जॉब होगा? फॉर्म वर्क। और सैलरी क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? अप्रेंटिसशिप में 16,000 स्टाइपेंड मिल रहा है अभी। अप्रेंटिसशिप 16,000 स्टाइपेंड है ये, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको फिर सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना तकरीबन? मैक्सिमम वही 2500 से 2800 के बीच में, मतलब 18,000 साढ़े 18,000 कह सकते हैं। जी। इन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है और टेक्निकल डिग्री भी है इनके पास बकायदा, तो क्या इनके लिए सैलरी पैकेज होगा सर? अभी सबका स्टाइपेंड मिल रहा है अभी 16,000 है। इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है जो? हाँ, सबका सेम है अभी। और जैसे स्टाइपेंड, ये अप्रेंटिसशिप खत्म होता है उसके लिए सबका अलग अलग करके सबका मतलब वो सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हाई क्वालिफिकेशन है उसका अलग अलग मिलना स्टार्ट। हाई क्वालिफिकेशन वाले का क्या होगा, एक कुछ बता सकते हैं? जैसे आपका एलएनटी में मतलब आईटीआई जो किया है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, सिविल जो भी हो, उसका अलग ये सैलरी मिलेगा। अगर 10th 12th है उसका सेम रहेगा। हैंडसम सैलरी है वहाँ इसकी? जी, तो हैंडसम सैलरी है। सर्वाइव बच्चे कर सकते हैं, कुछ सेव वगैरह भी कर सकते हैं? वो सेव भी कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। इसमें 2 महीना का तो ट्रेनिंग है, उसी के दौरान आपको रहना खाना फ्री रहेगा। उसके बाद आपको 16,000 स्टाइपेंड रहेगा, जिसमें रहना कंपनी का रहेगा और खाना लड़के का पैसा कटेगा, जो महीने का 900 रुपये कटेगा। उसके बाद ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे ये कंटिन्यू लगा रहेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? जी, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ब्रिज का, उस पर वो लगा रहेगा। अहमदाबाद से मुंबई तक बन रहा है पुल 400 किलोमीटर का, उस पर वो प्रोजेक्ट पे काम करेगा वो। तो देखिए, भले ही अहमदाबाद जा रहे हैं लेकिन ये सब बिहार के ही हैं। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है हमारे देश के लिए। जापान वगैरह हम देख रहे हैं, चाइना वगैरह देख रहे हैं, देश में भी वो पटरियां बनाई जा रही हैं, सुविधाएं लाई जा रही हैं, और आप उसके निर्माण के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और इसके बाद इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करें। न्यूज 18 बेतिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।